स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बी आर सिनेपिक्स में। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वीडियोज की श्रृंखला में हम हाजिर हैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के। और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ओपनिंग डेट के बदलाव के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं वो हम हमारे चैनल पर निरंतर रूप से लाते रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमने कई वीडियो बनाए थे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से लेकर के और दौसा तक का जो खंड है वो 4 फरवरी को ओपन होने जा रहा है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि 4 की बजाय 12 फरवरी को दिल्ली दौसा खंड खोला जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन दौसा के नांगल राजाधन में करने वाले हैं। हालांकि पहले इसका जो उद्घाटन है वो 4 फरवरी को होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से अब जो इसका उद्घाटन है वो 12 फरवरी को होगा और इसका 4 फरवरी की जगह 12 फरवरी को उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो ओपनिंग डेट है वो पहले भी कई बार बदली गई है और ये देख सकते हैं आप, ये ट्विटर अकाउंट है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का और इसमें लिखा है कि अब 4 की जगह 12 फरवरी को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो खबर है कई समाचार पत्रों में 4 फरवरी की भी चल रही है और 12 फरवरी की भी चल रही है। आप सामने देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है राजस्थान पत्रिका का जो कि 31 जनवरी को प्रकाशित हुआ है। इसमें लिखा है 4 की जगह अब 12 फरवरी को होगा उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार शाम अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जानकारी साझा की जिसके अनुसार 4 की जगह अब 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी 2 घंटे रह जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये खबर राजस्थान पत्रिका में 31 जनवरी को प्रकाशित हुई है। हालांकि हम आपको बता दें कि कई अखबारों ने अभी भी 4 फरवरी ही इसको प्रकाशित किया है, वो हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन ये देख सकते हैं आप, राजस्थान पत्रिका में ये 12 फरवरी जो तिथि है वो निकल करके आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है 4 की जगह 12 फरवरी को होगा उद्घाटन। वैसे हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले इसका 4 फरवरी को उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन हो सकता है कि जो तैयारियाँ हैं वो अधूरी रह गई हों किन्हीं कारणों से, या फिर और भी कोई कारण हो सकता है। और अब इसका जो उद्घाटन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली से लेकर के और दौसा तक का जो खंड है जो कि 228 किलोमीटर में खोला जाएगा, इसका उद्घाटन अब 4 फरवरी की जगह 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। अब देखते हैं, 12 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे हम आपको बता दें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो 228 किलोमीटर का एरिया है, जो खंड है, जो सेक्शन है, इसमें टोल टैक्स की बात करें तो इसमें 0.65 पैसे जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूले जाएंगे, यानी कि काफ़ी सस्ता इसमें टोल टैक्स है और काफ़ी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने का। तो 12 फरवरी को अब इसका उद्घाटन होने वाला है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ और एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।